हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको फोटोशॉप के एक ऐसे हिडन फीचर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे हम अपनी इमेज की बैकग्राउंड को बहुत ही इजी वे से डिलीट कर सकते हैं और बाद में इसकी जगह पे नई इमेज को डाल सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पे। सो न्यू बैकग्राउंड को चूज़ हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसकी बैकग्राउंड को हटाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक ईजी वे बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपनी इमेज की बैकग्राउंड को फोटोशॉप का एक छोटा सा टूल यूज़ करके इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि हम कितनी आसानी से अपनी इमेज की बैकग्राउंड को डिलीट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे फ्रंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ भी डिलीशन नहीं हो रही, उसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सो इस वीडियो के साथ बने रहिए और लर्न कीजिए कुछ इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ फोटोशॉप, जिसको यूज़ करके हम अपनी इमेज की बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। मैं हूं नवजोत सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संगत यूट्स पे। तो चलिए एक्चुअल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। इमेज को ओपन करना है जिसकी हम बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाली इमेज की हम बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे। वैसे तो ये बैकग्राउंड बहुत ही प्यारी है, लेकिन हमें सीखना है कि हम इमेज की बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करें, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक टूल है इरेजर के अंदर, बैकग्राउंड इरेजर टूल। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका साइज सिलेक्शन कर लें जितना भी आप करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप देख रहे होंगे कि इसके जो ये मेरे पास कर्सर है, इसके अंदर एक प्लस का साइन है, ठीक है। आपको वो वाला प्लस का साइन बैकग्राउंड के ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने माउस का कर्सर यहाँ पे रखा है, लेकिन जो प्लस वाला साइन है वो हमारी बैकग्राउंड के ऊपर है, ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड को उसने रिमूव किया। हालाँकि मतलब जो इस कर्सर का हाफ पार्ट था वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी था, लेकिन उसने उसको रिमूव नहीं किया। प्लस वाला साइन जिस बैकग्राउंड के ऊपर, जिस कलर के ऊपर होगा, वो उसे ही रिमूव करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे जस्ट एक बार क्लिक कर दो तो आपकी इमेज की बैकग्राउंड जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आपको डिलीट करते जाना है बैकग्राउंड को, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो प्लस वाला साइन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ना जाए। आप क्या कर सकते हो, इसे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड इसे मूव कर सकते हो और आपकी जो बैकग्राउंड है बहुत ही ईजी वे से डिलीट होती जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, बहुत ही ईजी वे से हम इसको डिलीट करते जा रहे हैं, ठीक है। ये पोर्शन हमने बहुत ही ईजी वे से डिलीट कर दिया। तो मेन प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना होता है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ना डिलीट हो, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी से मतलब जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ईजीली। तो ऐसे ही आप इसे यूज़ करके मतलब अपनी जो इमेज है उसकी बैकग्राउंड जो उसे रिमूव कर सकते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में भी हमने कुछ बैकग्राउंड चेंज करी थी, लेकिन उसके लिए हमने कुछ और टूल्स यूज़ किए थे और लिंक मैंने ऊपर दे दिया। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका एक दूसरा फीचर इसी के साथ है, वो भी हमारे पास, उसका नाम है यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल। तो ये भी बहुत शानदार टूल है, इसे हम बहुत ही इजीली से यूज़ कर सकते हैं। जब जहाँ पे भी हम एक बार क्लिक करेंगे, ये क्या देखेगा कि उसके साथ वाले पिक्सल कौन से हैं, कौन से कलर के हैं। अगर वो सेम टाइप के कलर्स के पिक्सल्स हैं तो ये क्या करेगा, उनको भी रिमूव कर देता है। तो ये बहुत ही ईजिली वर्क करता है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर नीचे, तो मैंने जस्ट एक बार क्लिक किया, लेकिन इसने वो सारा पोर्शन ही डिलीट कर दिया, क्योंकि वो सारा एक ही कलर के पिक्सल के था। तो बहुत ही इजीली इसने बहुत ही रिफाइंड जहाँ पे हमारे पास कटिंग आई है, जिसको इसने रिमूव कर दिया। आप देख सकते हो कि मतलब ये मैचिंग कर रहा है पिक्सल के साथ। तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, वैसे ही मतलब ये क्या करेगा, उसकी बैकग्राउंड को बहुत ही ईजिली वे से मतलब डिलीट कर देता है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।